अच्छा किया, अच्छा किया जेलर साहब, तो मुझे सलाखों का पीछे डाल दिया। मुझ जैसे मुजरिम की यही जगह और यही किस्मत है जेलर साहब। मैंने गुनाह किया है, मैं गुनाहगार हूँ, अपराधी हूँ। हाँ, मैंने बुरे लोगों को मारा है और मारता रहूंगा, तब तक मारता रहूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान है, मेरे जिगर में तूफान है। ये लीजिए जेलर साहब, मैंने इस मक्खी के लिए अपने आप को थप्पड़ भी मार लिया। ये सब बुरे लोग हमारे समाज में मक्खी की तरह हैं, मक्खी की तरह। इनको तो बसलना ही होगा। यार, ये मक्खियां, हमारे देश की मक्खियां, हम नौजवानों का अच्छा कलाकार नहीं बनने देती। अभी स्प्रे लाता हूं तेजी तो। मिसेस चड्डा, आपसे किसने कहा था एनिमल वेलफेयर में जाके कुत्ते को खिलाने? अब देखिए, कुत्ते ने काट के आपका वेलफेयर कर दिया ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हंस रही, लेकिन मीडिया आप पे कितना हंसेगी। हाँ हाँ, मैं संभालती हूँ, देखती हूँ क्या कर सकते हैं। ओए मिंटू, ये क्या है? अरे ये तो हथकड़ी है जो पुलिस वाले चोरों को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। ये मैंने पिक्चरों में देखा है। पर ये यहाँ इधर कैसे? चल अपन को क्या है, हम तो चोर पुलिस खेलते हैं। चल मम्मा, मम्मा क्या हम इस हथकड़ी से खेल सकते हैं? जिससे खेलना खेलो, मुझे प्लीज अभी डिस्टर्ब मत करो। ये चलो, अच्छा आर्टिकल बन गया। इस मिसेस चड्डा ने तो दिमाग का भट्टा बिठा दिया। मम्मी, मम्मी। ए बहू, क्या कर रही है? लैपटॉप पे काम कर रही हूँ मम्मी जी। चाय बनाई? हा, हा। मम्मी जी लैपटॉप पे चाय नहीं बनती। उफ, गैस पे चाय बनाई? ओ अच्छा, मैं थोड़ा सा ऑफिस के काम में बिजी हो गई थी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। तेरे कंधे में अभी तक दर्द है? हाँ मम्मी जी। कोई बात नहीं, मैं ना तुझे योगा सिखाती हूँ। योगा से क्या होगा? योगा से ही होगा। योगा से आज तक क्या हुआ है मम्मी जी? मैं हुई हूँ ना, मतलब मैं ठीक हुई हूँ। अच्छा, देख पहले ना ऐसे सीधे बैठ जा, फिर ऐसे कर। अपना अपना हाथ जितना पीछे जा सकता उतना लेकर जा। वन टू, वन टू। हाँ मम्मी जी, दर्द ठीक तो हो रहा है, और मेरे हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? मम्मी जी, मैं हाथ नहीं हथकड़ी काट रही हूँ। तू ध्यान से काटना, धीरे धीरे, मुझको दुख रहा है। मुझे तो लगता है हाथ ही काटना पड़ेगा। हाय हाय, मैं भरी जवानी में बिना हाथ की कैसे दिखूंगी? ऐसा काट, तू अपना काट ले, तेरी तो उम्र हो गई है ना। ऐसे तो हम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाय, मतलब मुझे तेरे साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। बाबा जी, ये कौन से जन्म की सजा दे रहे हो आप मुझे? आपको तो पता नहीं, पर मुझे तो सातों जन्मों की सजा अभी दे डाली। क्या बुदबुदा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी। हाय, बड़ी भूख लगी मुझे। रब्बा, ए बहू, फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है। याद आया, मैंने पप्पू को बोला था फ्रिज को भर दे। पप्पू क्या खुद फ्रिज में बैठ के उसे भरेगा? अरे नहीं मम्मी जी, मैंने उसको कहा था ग्रोसरी और सब्जियां लेकर ही नहीं आया। ये तो तू गलती करती है। है मेरे नंदू पुत्र को कहा होता तो वो ले आता। ये पप्पू तो महा आलसी और नलायक है, खुश करने जोगा नहीं है। अब क्या करेंगे मम्मी जी? करेंगे तो तब ना, अगर कुछ खाएंगे। मुझे तो बहुत वीकनेस लग रही है।
लेकिन खाने को तो कुछ है ही नहीं मम्मी जी, और बच्चे क्या खाएंगे? ये सोचने वाली बात है। आइडिया, आइडिया खाएंगे? अरे नहीं मम्मी जी, आइडिया आया, हम बगल वाले मार्केट से ना दो चार सब्जियां ले आते हैं। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। ना तेरा तो मुझे पता नहीं, पर मेरे मोहल्ले में बड़ी इज्जत है। मम्मी जी इसका उपाय भी है मेरे पास, हम कह देंगे कि ये फैशन है। फैशन है? हाँ, सास बहू के नए डिजाइन वाले कंगन। चन चन चन। अरे भाई साहब इसे देखे क्या, टेंशन बहुत है। हाँ भाई, ये फोटो जैसा ही दिखता है, बचपन में हमारी फोटो भी खींची थी, बस खचाक। अरे मैं फोटो की नहीं यार, इस आदमी की बात कर रहा हूँ, वो टेंशन है। आदमी को तो देखा है, आपको भी देखा है, आप जैसे आदमी लगते हैं, सारे समीकरण मिलाए जाए तो। अरे यार मैं इस आदमी की बात कर रहा हूँ, इस आदमी की टेंशन बहुत है। अरे टेंशन तो हमको भी है भाई, हमें नहीं पता ये आदमी कौन है, जाइए। अरे यार टेंशन बहुत है। बहन जी टेंशन बहुत है, इसे देखिए क्या। अरे बाप रे बाप, ये तो हमका ही ढूंढ रहा है, लंच थाने में, डिनर जल खाने में। चांदनी, आय हाय, ये क्या कर रही है? मम्मी जी सब्जी उधर है। ओ यस, फिट है वो आपके। ना बहन जी ये क्या इंडिया गेट है जो बीच में से निकल रही है? बिल्ला यहाँ नहीं है, पास के मोहल्ले में चल के ढूंढते हैं। टेंशन बहुत है ना। ए पिंक साड़ी पहन के तू क्या समझती, तूने पूरी दुनिया खरीद ली, तेरी तो हर एक मम्मी जी झगड़ा मत कीजिए वरना लोगों को शक हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। पिछली बार तूने टमाटर यहाँ से चुराए थे जो लोगों को शक हो जाएगा। मैं हथकड़ी की बात कर रही हूँ। हथकड़ी यहाँ से चुराई थी? मम्मी जी आप थोड़ा कम नहीं बोल सकती क्या? है मैं तो बोलती बड़ा काम हूँ, इतनी गुमसुम मैं रहती हूँ। तेरे को पता है नंदू के बाबूजी मुझे हमेशा कहा करते थे कि जब तू बोलती है ना मेरी कम से न हसीना तो तेरे मुंह से फूलों की बारिश होती है। फिर मैंने सोचा कहीं ज्यादा बारिश ना हो जाए, बार बार आ गई तो लोग मर जाएंगे हैं। पर बहू मुझे लगता तू बहुत ज्यादा बोलती है। हाँ मुझे लगता कभी कभी ना मेरे कान पक के गिर जाएंगे। फटे मुंह, ओए तूने सड़क पे ये रेडी क्यों लगा रखी है, साइड में नहीं होके कर सकता काम अपना? अरे मम्मी जी सब्जी तो खरीदने आए। ये कोई पपीता है? हमारे पटियाले में तो इससे बड़ा नींबू होता है। मैडम जी आप कौन से ग्रह से आई हो, इतना बड़ा नींबू होता है क्या? अरे मुत्तरे बदतमीजा, मैं तुझे बताऊं मैं कौन से ग्रह से आई हूँ ना, मुझे गुस्सा रुला दिया मुझे, मैंने ना ये मार दिया सर फोड़ दिया बदतमीज लायक। मुत्तरे लंच थाने में, डिनर जल खाने में, ये तो हमसे भी बड़े वाले निकले। मैं मुजरिम होकर मुंह छुपाकर घूमता हूँ और ये हथगड़ी लगी हुई सब्जी खरीद रही है। भाई साहब लंच थाने में, डिनर डाक खाने में। ए चंदू मुझे थोड़ी कमजोरी लग रही है, आइसक्रीम वाला नहीं है इधर? अरे मम्मी जी फिर किसी से मत भिड़ जाना। बहू मुझे लगता है पुलिस तुझे पकड़ने के लिए आ गई, जाके छुप जा। पर मुझे ही क्यों मम्मी जी, आपकी भी तो हरकतें जेल वाली है। या बहू जल्दी से जाके छुप जा। तो मुझे क्यों खींच रही है? मैं नहीं खींच रही मम्मी जी। जा फिर, तू नहीं हटेगी मैंने तुझे। ओ ये तो पुलिस जैसा नहीं लगता। हम चोर ही हैं, लंच थाने में, डिनर जेल खाने में। अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, आप हैं कौन? हम हैं बिल्ला बिलौटा बुलंद शहर वाला आंटी जी। मम्मी जी आपसे कुछ कह रहा है। नहीं नहीं हम दादी से कुछ कह रहे हैं। अरे मुत्तरे और दादी होगी तेरी अम्मा। अरे अम्मा तो मेरी अम्मा ही है ना आंटी जी। मनु खानिया एक कमसिन जवान हसीना को दादी कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? वैसे तू है कौन? हम चोर ही हैं लेकिन आपसे बड़े नहीं।
वैसे आप कौन सी गैंग से हैं? मम्मी जी, मुझे तो पहले से ही शक था, आप किसी न किसी टेररिस्ट गैंग से जरूर। देखो इसने आपको पकड़ लिया। चुप कर तू। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे बड़ी चोर हूँ? नहीं मतलब कहने का ये है कि आपने ये इल्जाम कैसे लगाया मुझ पर? अरे दादी जी, आप दोनों की हथकड़ी देखकर हम दोनों इस हथकड़ी में गलती से फंस गए हैं। अरे यार, हम तो आपकी गैंग को ज्वाइन करने यहाँ चले आए, कितना टाइम खराब हुआ हमारा। ओ चोर बाजी, आपका लंच थाने में, डिनर जेल खाने में, अब आप जाइए पागल खाने में। मेरा मतलब है कि अब आप जाइए, हमारे नाश्ते का टाइम हो गया है। नाश्ता? हम भी करेंगे नाश्ता। तू क्यों करेगा हमारे यहाँ नाश्ता? मम्मी जी यहाँ रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जेल खाना है जो तुम भी यहाँ नाश्ता करोगे। मम्मी जी, भगा रही हूँ उसे। देखो, तुम लोग को इस हथकड़ी से छुटकारा पाना है ना, तो हम मदद कर सकते हैं। लेकिन तुमको हमें नाश्ता करवाना पड़ेगा, लंच थाने में, डिनर जेल खाने में। क्यों नहीं, क्या बना दूं आपके लिए नाश्ते में? कुछ खास नहीं, हल्का फुल्का, और जैसे कि हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी और हल्की फुल्की, बड़ा मजा आएगा आंटी जी। नहीं, मुझे ना लखनवी बिरयानी बनानी आती है, वो बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं, हम खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लंच थाने में, डिनर जेल खाने में। अगर आप लोग हैदराबादी बिरयानी बनाओगे तभी सतकड़ी से छुड़ाएंगे हम। मुझे आती है हैदराबादी बिरयानी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।